दानिश, शाहीन बाग का ये प्रोटेस्ट जो है कितना अरसा हो गया चलते हुए? ये इसका जो स्टार्टिंग टाइम ये 15 दिसंबर 2019 में स्टार्ट हुआ था और आज ये फरवरी चल रहा है, तो ऑलमोस्ट मोर देन 60 डेज हो चुके हैं यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को। ये बताइए कि बीच बीच में बहुत हंगामा होता है कि यहाँ पे लोग पैसे भी दिया जाता है और बिरयानी भी खिलाया जाता है और वो लोग आके बैठते हैं, उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, जब वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चा कह रहा था कि 500 रुपये दिए जाते हैं, तो उस वीडियो को मैंने इनफैक्ट कुछ मीडिया वालों को दिखाया भी था। उस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे, उसके पीछे ना एक नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर। अच्छा। उस मोबाइल नंबर को जब ट्रू कॉलर पे सर्च करेंगे तो वो किसी हिंदू भाई का नंबर आता है। दूसरी चीज, जो बंदा कह रहा है बटला हाउस में लोगों को 500 रुपये दिए जा रहे हैं, बटला हाउस ये शाहीन बाग और बटला हाउस का यहाँ से डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का। अच्छा। जिस बंदे को ये नहीं पता कि बटला हाउस शाहीन बाग के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप समझ सकते हैं उसकी हकीकत क्या है। और मैं तो ये जानना चाहूंगी, अगर इस तरह का मामला था तो जो वो नंबर थे उन नंबर पर टैक्स क्यों नहीं हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके ऊपर में होनी चाहिए थी। अगर इस तरह का मामला था तो इसके ऊपर में बिल्कुल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। और ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर आप आ सकते हैं, यहाँ पे जो औरतें बैठी हैं बड़े, आप बात करके देखें उनसे, आपको बात करके ये लगेगा कि ये सलाहियतमंद फैमिली से है, अच्छी फैमिली से है, दे आर वेल टू डू, एंड इनकी ये हैसियत है कि इन्हें 500 रुपये या 5000 रुपये में भी इनको बिठाया नहीं जा सकता। ठीक है, चाहे इसके अंदर में आपको अच्छी लॉयर्स भी मिलेंगी, आपको एजुकेटेड लेडियाँ भी मिलेंगी, यहाँ पे काफ़ी बच्चियाँ मिलेंगी जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँ कि 2-4 बार कुछ लोगों ने, एक गुंजन कपूर भी आई और एक लोग आए, गन मिल गया था, ऐसे पकड़े जाते हैं तो वहाँ मॉब लिंचिंग हो जाती है, जब आप लोग ने ऐसे लोगों को पकड़ा? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो छोड़ दे इंसानियत वो इंसान बुरा है। हम जिनके मानने वाले हैं, वो उन्होंने हमें पीस, शांति का पैगाम दिया है और हम शांति का पैगाम देने वाले लोग हैं। अगर आज अगर उनकी तरह हम भी इनकी मॉब लिंचिंग कर दे तो उनमें और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा? फिर हमारी तहजीब में उनकी तहजीब में फ़र्क क्या रहेगा? और अच्छे बुरे लोग हर कौम हर धर्म में हैं। किसी 2-4, 5-10 लोगों की वजह अगर मैं पूरे कौम को, पूरे रिलीजन को बदनाम नहीं कर सकता। हमारा मकसद है, हमारी लड़ाई सरकार से है। हम सरकार से, जो एक गलत उनका फैसला है, हम उनके खिलाफ हैं। हम उसे कह रहे हैं आप उसमें अमेंडमेंट करो। हमारा लड़ाई, हमारी लड़ाई किसी भी तरीके से, यहाँ पे गन पकड़े गए या यूपी के अंदर में जो है इनके जो है नेता कहते हैं कि गोली मारो गद्दारों को, कौन है गद्दार? कौन है इस देश का गद्दार? आप बताएं, लोगों को बताएं, क्या अपने अधिकार के लिए, क्या संविधान के बचाव के लिए, संविधान के लिए सड़कों पर उतरना क्या गद्दारी है? तो हाँ, हम गद्दार हैं। लेकिन आप अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखें, आप संविधान का ख्याल रखें, संविधान की से हट के अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप जो हैं वो किसी पार्टी के नहीं, आप हमारे हिंदुस्तान को नेतृत्व करते हो विश्व के अंदर में। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपके माध्यम से जो ये काला कानून है, जो भाईचारगी को ख़त्म करता है, जो आपसी मोहब्बत को ख़त्म करता है, प्लीज़ उसे, उस पर आप एक बार विचार विमर्श करें, उसकी गहराइयों को समझें, उसको एक बार आप बैठें और उसको दोबारा से पूर्ण विचार करें। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है शाहीन बाग की सरजमी से आपके लिए। अच्छा, कल कुछ बातें आई कि अमित शाह ने कहा है कि 3 दिन के अंदर कोई लोग आके मिलने के लिए, इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, अगर मैं चाहूँगा कि ये सच्चाई हो, ये जुमला ना हो, मोस्ट वेलकम, हम दिल से चाहते हैं आप हमारे बीच आएँ, हमारी बातों को सुने और उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर जहाँ लगता है हम गलत है, आप हमें समझाएं, लेकिन कोई भी जुमलेबाजी ना हो, बातें आप रखें, हम इस्तकबाल करते हैं। बीच में बाबा रामदेव ने भी कह दिया कि हम आने को तैयार हैं आपके बीच में, कहाँ हैं वो? हमारी नज़रें आज भी उन्हें ढूंढ रही हैं। मैं हकीकत बताना चाहता हूँ, हमें नफरत नहीं फैलाना, हमें मोहब्बत बांटनी है। हमें इस हिंदुस्तान को एक पहचान जो है, वो पहचान को और ऊपर लेके जाना है। हमें भाईचारगी की एक मिसाल कायम करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिख भाई लोग, यहाँ पे जो है यहाँ लंगर चल रहा है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक सिख भाई ने अपना मकान बेच कर यहाँ पे लंगर चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोहब्बत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है, आपके पीछे इंडिया का नक्शा दिख रहा है, ये 35 फीट का इंडिया का नक्शा है, आपके पीछे की तरफ हमने इंडिया गेट बनाया है, जो इंडिया गेट पीछे की तरफ दिख रहा है। तो हम यहाँ से एक मिसाल देना चाहते हैं, हम कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाना चाहते जो सरकार के खिलाफ हो। हम पीसफुली सड़क पर बैठ के अपनी बातों को रख रहे हैं। हमने उस, और दूसरी बात, जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, मैं एक बात बता दूं, ये वो सड़क है जो दिल्ली नोएडा कनेक्ट करती है। ये नॉट अ सिंगल सड़क है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे लास्ट ईयर 26 जनवरी को इसका शिलान्यास हुआ है, वरना ये बड़ी नैरो हुआ करती थी। तो हमारे पास ऑल्टरनेट सड़क है,
तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ ऑल्टरनेट सड़क है, लेकिन जो आपका काला कानून है वो उसके लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं है मुसलमानों के लिए। आप किसी की कहाँ जाएगा, बंदा कहाँ जाएगा, क्या करेगा वो, अपने बच्चों को क्या इल्म देगा, किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेगा? आप क्या हिंदुस्तान को देना चाहते हो? आपको 2014 में हिंदुस्तान की आवाम ने बहुमत के साथ में आपको सरकार में लेके आई थी विकास के नाम पे। क्या ये आपका विकास है? क्या ये काला कानून आपका विकास है? क्या गौ रक्षा गौमूत्र आपका विकास है? क्या GST नोटबंदी आपका विकास है? पुलवामा के अंदर में शहीद मरते हैं उस पर आप राजनीति करते हो, 2014 में आपने कुछ नहीं किया, 2015 के इलेक्शन में 14 के बाद जो है आप विकास के नाम पे आए, 2019 के इलेक्शन में आप पुलवामा शहीदों के नाम पे आए, आप शहीदों के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हो, क्या बना दिया आपने हिंदुस्तान को? मैं दिल्ली की जनता को शुक्रगुजार हूँ, मैं दिल से सलाम कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने शाहीन बाग को मुद्दा बनाकर इलेक्शन लड़ना चाहा, विकास को छोड़कर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं शाहीन बाग को मुद्दा बनाकर। अरे शाहीन बाग कोई मुद्दा नहीं है, आपने मजबूर किया है शाहीन बाग में लोगों को सड़कों पर बैठने के लिए, आपने मजबूर किया है। आज तक 60 दिन से ऊपर हो गए, पहली ऐसी सरकार है जिसका कोई डेलीगेट आज तक शाहीन बाग में नहीं आया आवाम के बीच बात करने के लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप?